मम्मी आपको पता है सारा की पप्पो का बेटा मेरा क्लास फेलो है। अच्छा, क्या नाम है उसका? खिजर नाम बता रहा था। अच्छा खिजर, वेरी नाइस बॉय। एक्चुअली उसकी फैमिली सऊदी अरेबिया में रहती है, वो यहाँ है ए लेवल्स के बाद आगे पढ़ने के लिए। ज़रीना बड़ी परेशान रहती है, वो चाह रही थी कि एक्चुअली वो उसके साथ रहे, लेकिन इतना खुददार लड़का है, कहता नहीं मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाह रहा, अपनी जगह रखी हुई इसने। ही इज़ अ नाइस फेलो। अच्छा, तो तुम्हारे क्लास में है? जी ओके। किरण, जाऊं? जाइए। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई। ओह, क्या हाल है खिजर? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। फरीदा आंटी कैसे? मामी से मुझे अंकल के बारे में पता चला, बहुत अफसोस हुआ। मामी काफी बहादुर और खैर, तुम कभी घर आओ ना। मोस्ट डेफिनेटली। वैसे भी आपकी मिसेज तो अपनी असाइनमेंट्स की वजह से और लेक्चर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई है हमारी क्लास में। अगर मैं आपके घर आऊंगा तो हो सकता है अपने रिलेटिव समझ के मुरब्बत ने मुझे अपनी असाइनमेंट्स दे दे। खैर तुम आओ, असाइनमेंट्स मिलती ही नहीं मिलती इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता। एनीवेज, आई एम गेटिंग लेट, आज वैसे ही काफी देर हो चुकी है। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। सी यू अराउंड। टेक केयर। ऑलराइट, बाय। तुम्हें हैरत हो रही है ना अफशीन, मेरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने पर? हाँ, लेकिन तुम हैरान इसलिए हो रही हो क्योंकि अभी तक तुम अशर से नहीं मिले। तुम्हें पता है वो मुझे कहते हैं अपने सारे शौक पूरे कर लो। जल्दी शादी हो गई तो क्या हुआ, ख्वाब तो पूरे हो सकते हैं ना। मगर एक चीज़ बताऊँ, मैं यूनिवर्सिटी अपने लिए नहीं जा रही, अशर के लिए जाना चाहती हूँ। अब देखो ना, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी बीवी को उन जैसा होना चाहिए। मेरा दिल चाहता है मैं उनकी पसंद के सांचे में ढल जाऊं, जो उनको पसंद है वो अपना लूं, जो उनको ना पसंद है वो छोड़ दूं। अफशीन, मैं जानती हूं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब दिल चाहता है कि वो मुझ पर फख्र भी करें। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हाँ, वादा। ओके, खुदा हाफिज़।